बदायूं की चक्कर काट काट के मेरी कितनी आमदनी है, मेरे बच्चे कोई कमाने वाला नहीं है अभी घर में, मैं क्या करूं बताया मुझे, कहां जाऊं मैं, किससे कहूं, कोई है सुनने वाला? पूरा जंगल राज हो गया है यहां पर। हिंदुस्तान का भी एक मिसाल हुआ करता था इंसाफ के मामले में, आज क्या हो रहा है यहां पर? मुझे तो दिखता है किसी को इंसाफ मिल रहा है, मिलेगा लेकिन इस हुकूमत जाने के बाद मिलेगा, मेरा मानना तो ये है। बेहया और बीजेपी सरकार के ना बनावटी मक्कारी इनके अंदर है, जो दूसरों के अंदर घूमते हैं, वो जुमलेबाजी इनके अंदर है, धोखा घड़ी इनके अंदर है, सब कुछ तो वो करते हैं लगा के दूसरों का नाम ऊपर। बस नजीब की मिसाल दी जाती है, आपको नजीब बनाता, अगर उन्हें सजा दी गई होती तो क्या वो इतनी हिम्मत थी उनकी बोलते? एक तो नजीब का सर्च करके गायब कर दिया, उसके ऊपर उनकी धांधली देगी। आप मैंने कई बार सुना, उसको पढ़ा भी है कि वो ये कहते हैं कि तुम्हें भी नजीब की तरह गायब कर देंगे। क्या मतलब है? आज तक उनसे पुलिस ने पूछा होता, सीबीआई ने पूछा होता, और फिर मैं ये कहती हूँ सीबीआई को क्या करना चाहिए था? सीबीआई ने क्या उन्नाव केस में जब रेप उन्नाव में जो रेप केस हुआ था उसमें सीबीआई ने दूसरी एफआईआर दर्ज की थी, तब तो उसको अरेस्ट किया था विधायक को, कि मेरे केस में सीबीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी। मैं बार बार कहती रही आप मेरी मुझसे गलती हुई है, मैंने इसकी बातों में आ गई आई है, आप एक एफआईआर लिखी है तो आप उसे उन्हें अरेस्ट करिए, क्योंकि सीबीआई को तो ऑर्डर ही नहीं था ना, ऊपर से उन्हें आदेश मिल रहे थे, उनका डायरेक्टर को आदेश मिल रहे थे, वो कैसे कर सकते थे कुछ भी? जो भी लोग नजीब के केस में इन्वॉल्व है उनके साथ जो मेरे साथ खड़े होते हैं उनपे अटैक होते हैं, मतलब इसी इनके अलावा नहीं, ऑल स्टूडेंट जो जेएनयू के जो नजीब के हिसाब की आवाज में आवाज दिलाते हैं उनको क्या क्या सजाएं दी जाती है, उनपे कितने जुर्माने डाले जाते हैं, उन्हें सस्पेंड करने की धमकियां दी जाती है, ये इंसाफ है जेएनयू का? ये कभी पहला किसी भी संस्था में ऐसा होता है क्या? आज सारी संस्थाओं में आग लगी हुई है, लोग एक दूसरे को जलाने पे तुले हुए हैं, कभी देश में मैं पढ़ लिख के नहीं मिले, अखबार में हमेशा से पढ़ती हूँ 10 साल की उम्र से, मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कुछ भी। इतना गंदा माहौल कर दिया पूरे देश का कि बस बहुत ही गंदा गंदे, जितना लफ्ज गंदा है ज्यादा कहीं गंदा, इंसान जानवर बन गए बिल्कुल, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई बिल्कुल, जरा सा भी किसी के लिए जज्बात नहीं है, किसी की तकलीफ का एहसास करने का जज्बा नहीं है कि क्या हो रहा है किसके साथ, कोई मर रहा है तो मरता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो 2 साल से देख रहे हो कि मामला पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हो, क्या मैंने कहीं भी कोई भी गलती की? कभी इन बच्चों को गाली दी हो जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की? लेकिन इन बच्चों को जरा भी शर्म नहीं है, अपनी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते होंगे, उनकी माँ का सुलूक उनकी माँ के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा ये मेरे साथ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नाम की चीज़ है ही नहीं, उनकी माँ मैंने सिखाया नहीं, मैंने उनके बच्चों को मारना सिखाया नहीं था, बदतमीजी करना सिखाया नहीं, अगर वो आज ऐसा होता तो फिट के ना आता, गायब ना होता, मार के गायब होता है।